पूछना चाहेंगे हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी Yeah, it's a very sad day for the entire country, and I'm sure that we are all grieving this loss. क्योंकि उन जैसे लोगों की इस देश को बहुत बहुत ज़रूरत है, and he's given this country a lot, you know, in the past, and we will definitely miss him. I mean, yesterday we lost one of our finest visionaries and one of the most courageous leaders that we ever had. It's because of him that India is, you know, what it is today. Because a lot of historic events happened during his tenure, and so it really is a very sad day. I think, huh, it's a sad thing, but one person jinko itna pyar log dete hain, wo zaruri nahi hai ki unki hi party ke log. Wo ek aise insaan the jinko sab पॉलिटिशियंस जो हैं वो बहुत रिस्पेक्ट देते थे, सारा कुछ करते थे. तो इट्स अ बिग लॉस, और आई वुड ओनली से दैट यू नो गॉड गिव द फैमिली द स्ट्रेंथ टू बेयर दिस ह्यूज लॉस. अबाउट द सेम क्वेश्चन, बेहद दुखद समाचार है, और मैं एक स्टेट्समैन तो वो सबके लिए और पॉलिटिशियन सबके लिए एक आला दर्जे के साबित हुए अपनी पूरी ज़िंदगी में. बेहद अच्छे कवि भी थे, तो एक दूसरा एसोसिएशन मैं उनकी शख्सियत से फील करता हूँ क्योंकि मैं लिखता हूँ. और इट्स अ ह्यूज लॉस टू द कंट्री, एन इनएविटेबल वन, बिकॉज दैट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, बट नेवरदलेस अ वेरी ह्यूज लॉस एंड इरिपेरेबल लॉस. जी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं बहुत छोटा था, पर मैं जितना उनके बारे में सुना है तो मुझे घर वालों से या सीनियर से यही पता चला कि वो बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत कुछ किया है. ऐसे लोगों की अपने देश को उनके एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है और हमेशा रहेगी, तो बड़ा दुख है. थैंक यू.